नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बीपीएससी परीक्षा को लेकर। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में बीपीएससी की परीक्षा से ठीक पहले विभाग की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। बिहार प्रशासनिक लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा अपने तय समय पर 24, 25 और 26 अगस्त को होनी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है वे सभी परीक्षा में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस परीक्षा के जरिए उनकी पात्रता की जाँच नहीं हो सकेगी, बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनकी जांच की जाएगी। चेयरमैन अतुल प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार शिक्षक बहाली पर उन्होंने कहा है कि बीपीएससी पहली बार यह परीक्षा आयोजित करा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। उन्हें नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है, इसलिए निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों यानी कि उम्मीदवारों ने शिक्षा भर्ती के लिए आवेदन किया है वे सभी परीक्षा में बैठ सकेंगे। हालांकि इन एग्जाम के जरिए उनकी पात्रता की जांच नहीं की जाएगी, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी जांच की जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने बीएड धारियों को प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से बाहर करने का आदेश जारी किया था। इससे बीपीएससी शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि जिन बीएड धारियों ने प्राइमरी शिक्षक के पदों पर आवेदन किया है वे फिलहाल परीक्षा दे सकेंगे। इनकी नियुक्ति का फैसला बाद में राज्य सरकार और NCTE द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ विभाग की तरफ से यह भी अपडेट साझा किया गया है कि जिसमें यह बताया गया कि शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने पर गलत फोटो आ गया या फिर अस्पष्ट फोटो है, ऐसे में राजपत्रित अधिकारी से अभी प्रमाणित रंगीन फोटो लेकर परीक्षा केंद्र पर जाएं। साथ ही साथ अपना फोटो युक्त पहचान पत्र भी अपने साथ में रखें, जिसका हस्ताक्षर अस्पष्ट या अपठनीय है। उनको भी निर्धारित फॉर्मेट को भरकर और उस पर रंगीन अभी प्रमाणित फोटो लगाकर परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र अधीक्षक को दे दें। एडमिट कार्ड को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि उम्मीदवारों को 20 अगस्त तक अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। वहीं विस्तृत जानकारी 21 अगस्त को बीपीएससी की वेबसाइट पर साझा की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी अब परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में यह खबर सामने आई कि परीक्षा में निगेटिव मार्क नहीं होगा, उनका उत्साह दोगुना बढ़ गया है। ऐसे में अब देखना है कि इन निगेटिव मार्क हटाने के अभ्यर्थियों को कितना फ़ायदा होता है। आपको क्या लगता है, निगेटिव मार्क हटाने से अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।